क्विक मलपुरा आगरा, हम आपके साथ सच के साथ, अब नहीं छुपेगा कोई अपराध। मैं चोप सिंह सक्सेना, मलपुरा संवाददाता आगरा। आप इस समय आगरा शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूर पचगाई खेड़ा गांव में खड़े हुए हैं और इस गांव में फ्लोराइड युक्त पानी से काफ़ी लोग परेशान हैं। फ्लोराइड युक्त पानी होने के कारण वही पानी लोगों को मजबूरन पीना पड़ता है, जिस कारण वो काफ़ी बीमारियों से ग्रसित हैं। अधिकांश लोगों के पैर टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं और वो किसी काम नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाते हैं और तो और उनकी शादियों में भी बाधा पड़ी हुई है। बहुत से लोगों की आज तक शादी भी नहीं हो पाई। आप इस समय मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ एक सरकार ने फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाने के लिए लोगों को 5 साल पहले एक आरओ प्लांट की स्थापना की थी ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण ये आरओ प्लांट शोपीस बनकर रह गया है। 5 साल से लेकर आज तक ये लोगों के लिए कभी चल ही नहीं पाया और लोग आज तक इसका पानी पी ही नहीं पाए और आज भी लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर है। हम इस समय आपके साथ पचगाई खेड़ा गांव में खड़े हुए हैं और लोगों से पड़ताल करते हैं, जानकारी लेते हैं कि उनको सरकार की किन किन सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं और कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं और फ्लोराइड युक्त पानी के लिए क्या निजात है। जानिए हमारे साथ। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुनील है। सुनील भाई, ये बताओ, ये आपके साथ जो परेशानी दिख रही है, कितने दिनों से ऐसी है? मुझे धीरे धीरे कोई 18 साल हो गए। अरे 18 साल से आप परेशानी से जूझ रहे हो? अच्छा, आप पढ़े भी हो? नहीं, पढ़ नहीं पाए हो आप? जब मतलब ये जो 18 साल से परेशानी जूझ रहे हो, ये किन कारण परेशानी हुई आपको इतनी? ऐसी परेशानी क्यों हुई? अब पता नहीं इस गांव में क्या चक्कर है, पानी का चक्कर है, ये तो पानी के सब बताते हैं। आपके यहाँ जो पानी बताया जाता है वो फ्लोराइड का है, आपके नलों पर और टंकियों पर भी निशान लगे हुए हैं, ये पानी पीने योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 18 साल से रोग घुस गया, धीरे धीरे वो बढ़ता रहा, अब आके इतना बढ़ गया है 5-8 साल के करीब से कि खटिया से उतरा नहीं जाता है, ना टट्टी को ना पेशाब को। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी नहीं हुई है, शादी से पहले बीमार हो गया पानी से। अच्छा, तो क्या कारण ये भी हो सकता है कि आप विकलांग हो गए पानी की वजह से, आपकी शादी नहीं हुई? हाँ जी, कह सकते हैं। अच्छा, सरकारी आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है सब, वो पेंशन भी मिलती वो भी बंद हो गई 3-4 साल से। अच्छा, पेंशन भी नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये बच्चे टेढ़े मेढ़े पैरों से घूम रहे हैं, जबकि इनकी उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं इन महिला के पैरों में अपनी दवाई लगाकर पैरों को सही करने का प्रयास कर रही हैं और फिर भी ये चलने में असमर्थ हैं। आप देख सकते हैं, बीना बीना जी, ये बताएं जो आपके साथ ये आप देखा जा रहा है कि आपके पैर टेढ़े हो रखे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हो, ये कैसे और कब से हैं? इसको 15 साल हो गई, पानी की वजह से टेढ़े और मेढ़े हो गए थे, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, इतनी कमज़ोर हो गई कि नेक गिनने से भी हड्डी टूट जाती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि ये हड्डी जुड़ नहीं सकती हैं, पानी की वजह से कमज़ोर ज़्यादा हो गई हैं। और साहब, इतना पैसा है नहीं है कि बाहर जाकर डॉक्टरों से अपना इलाज अच्छे से करा सके, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। सरकार की ओर से आपके लिए मीठे पानी की कोई व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। ये बताओ, आपको सरकारी कोई सुविधा मिल रही है इस समय? कोई सुविधा वगैरह नहीं है, जैसे आपकी पेंसिल है वगैरह वगैरह कोई? अब पेंसिल, हाँ पेंसिल अब तक मिलती थी, लेकिन अब पेंसिल 6 महीने से बंद हो गई है, पेंसिल भी नहीं है। हाँ, 6 महीने से पेंसिल भी बंद है हमारी। बाकी और आपको सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले मेरा कूला भी टूट गया है, टूटे कूले से मैं बैठी हूँ, अब भी टूटा हुआ है। डॉक्टरों ने 1 से 1.5 लाख तक का खर्चा बताया है, जो आपके पास नहीं है, जो आप मेरे पास नहीं है कि मैं अपना इलाज खुद करा सकूं। मेरे पास तो ये भी नहीं है कि अब 5 लाख तक की छूट मिल रही है बीपीएल का कार्ड। मैं कहती हूँ सरकार से कि बीपीएल का कार्ड बनवाने से मुझे कुछ लाभ मिले, सरकार कोई सुविधा दे मुझे।
लेकिन कोई भी नहीं, मैं चलने फिरने लायक नहीं हूँ तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ ना, कहाँ जाऊँ, किससे मैं अपनी मदद मांगू बताओ। आगरा शहर के नज़दीक ब्लॉक बरौली अहिर के गांव पट्टी पचगाई व पचगाई खेरा के लोग प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि इन गांव में फ्लोराइड युक्त पानी होने के कारण यहां के लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। अधिकांश लोगों के पैर टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, जो कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। अधिकांश लोग भरी जवानी में ही बूढ़े प्रतीत होने लगे हैं, क्योंकि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। और इसी बीमारी के कारण उन लोगों की आज तक शादी भी नहीं हो पाई। लोग बाहर के लोग यहाँ अपनी लड़कियों की शादी करने से भी कतराते हैं, क्योंकि यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है। और क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह, ये बताओ ये परेशानी आपको कितने दिन से है? ये 15-20 साल है। अब क्या काम करते हो इस समय? और क्या काम तो करते हो ना, घर ही बैठे हैं। अच्छा, ये बताओ ये 15-20 साल से आप तो परेशानी और कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, क्या आपने डॉक्टरों को दिखाया या किस वजह से है ये, किस वजह से ये हो रहा है? सब डॉक्टर ने दिखाया था, वो बता रहे पानी की फ्लोराइड। अच्छा, डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने पानी की फ्लोराइड बताई। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं हो पाई। और इसके बाद सरकारी सुविधा कुछ मिली है आपको? अभी कुछ सुविधा ना मिली, अभी ये पेंशन मंत्री की, और पेंशन तो पेंशन मंत्री थी यार, कोई योजना ना आती जी है बस। कोई योजना नहीं मिली आपको सरकार की तरफ से, आपके लिए कोई योजना नहीं है? हाँ।